Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. In today's video, we are going to discuss about the subject Health, Physical and Yoga Education, and the topic for today's lecture is Importance of Yoga. So let us understand what are the importance of yoga in a human's life. Importance of yoga, तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलरली मेंशनड है, लाइक नाइन इम्पॉर्टेंस मैंने यहाँ पे मेंशन की है. आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सिक्स इम्पॉर्टेंस लर्न कर सकते हैं. मैक्सिमम अगर आप लिखना चाहते हैं तो एट इम्पॉर्टेंस लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं, जैसे यहाँ पे जो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, हेडलाइंस हम उसको बेसिकली बोल सकते हैं, तो उनके बारे में आप एक फ्लो चार्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड जरूर करें. सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है? फिजिकल प्योरिटी. इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लीन्ड बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइजेस. अब देखिए, हम बात करते हैं, लास्ट लेक्चर्स भी हमने जो योगा पे किए थे कि योगा का मीनिंग क्या है एंड योगा प्रैक्टिस करने के क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम दो तीन लेक्चर्स कर चुके हैं. अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो लेक्चर्स अटेंड जरूर करें आप. एंड साथ में अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप नोट्स ले सकते हैं. सभी यूनिवर्सिटीज के नोट्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, किसी भी मीडियम में आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है, व्हाट्सएप लिंक गिवन है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे बात हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल प्योरिटी. तो फिजिकल प्योरिटी में मैं बात बताती हूँ कि हम हमेशा अपनी आउटर बॉडी पे ध्यान देते हैं. हम सलोन जाते हैं, हम मसाज पार्लर्स जाते हैं एंड अपनी बाहरी सुंदरता के लिए बहुत कार्य करते हैं, क्लीनलीनेस के लिए, हाइजीन के लिए बहुत काम करते हैं. लेकिन अंदर के बॉडी पार्ट को हम कैसे मसाज करें, कैसे अंदर के बॉडी पार्ट्स को क्लीन करें, तो ये क्वेश्चन हमेशा रहता है. तो वो हम करते हैं एक्सरसाइज से, योगा प्रैक्टिसेस से एंड जिम जाकर कुछ लोग करते हैं. तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि फिजिकल प्योरिटी भी एक इंसान की हो, मतलब अंदर से भी उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हेल्दी रहे. बेसिकली देयर आर थ्री सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी, वात पित्त एंड कफ. तो ये तीन योगिक टर्म हम एक तरह से बोल सकते हैं, सब्सटेंस हमारी बॉडी में है. देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज टू रिमेन हेल्दी. तो इनके बीच में एक हेल्दी बैलेंस रहना जरूरी है, तभी एक इंसान हेल्दी रहेगा. जल नीति, धोती नीति, नौली, कपाल भाति कीप द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इन अ क्लीन स्टेट. तो यहाँ पे कुछ योगिक प्रैक्टिसेस हैं, एक्सरसाइजेस हैं जो आपको अच्छा रखने में, आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंस की तरफ बढ़ेंगे, रिड्यूसेस मेंटल टेंशन. द मॉडर्न एज हैज डिस्टर्ब्ड अ पर्सन्स पीस एंड हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन. एक इंसान जॉब करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या चाहे वो बिजनेस करता हो या चाहे वो घर ही बैठा हो, कोई काम नहीं भी कर रहा होगा, तो भी हर एक इंसान को हम देखेंगे स्ट्रेस या टेंशन है. जो घर बैठा है उसको घर बैठने की टेंशन है कि मेरे पास काम नहीं है. जो काम करता है उसको काम की टेंशन है. जो काम नहीं करता है, पढ़ रहा है, उसको एग्जाम्स की टेंशन है, स्ट्रेस है, काम कंप्लीट करने का है. तो हर इंसान को हम देखते हैं किसी ना किसी वे में कुछ ना कुछ टेंशन रहती है और पीसफुल लाइफ कहीं ना कहीं आजकल डिस्ट्रॉय, खत्म होती जा रही है. तो इसके लिए इम्पोर्टेंस है कि एक मेंटल पीस हो, टेंशन्स कम हो, रिड्यूस हो, स्ट्रेस कम हो, तो योगिक एक्सरसाइज इसके लिए हमेशा से लाभदायक साबित होता आया है. योगिक एक्सरसाइज लाइक प्रत्याहार, धरना, ध्याना प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग पीस ऑफ माइंड. तो कुछ योगा एक्सरसाइजेस हैं जो यहाँ पे मेंशन है. अगर आपको योगा एक्सरसाइजेस के नाम लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो आप एक दो ही लर्न कर सकते हैं, एक ही लर्न कर लें अगर वो ही लिख सके तो, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ओके. आप बस पॉइंट अपना समझा दें तो भी ठीक है, बट कोशिश करें एक दो लर्न करने की योगा प्रैक्टिस.
नाम उनके बेसिकली, एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग पीस ऑफ माइंड। तो बिल्कुल आपका जो दिमाग है उसके पीस के लिए, उसकी शांति के लिए बहुत जरूरी है। शवासन, पद्मासन, वज्रासन एंड सिद्धासन एटसेट्रा आर बेनिफिशियल फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, ऐसा नहीं है हम स्पिरिचुअली बोल रहे हैं। कुछ लोग योगा को स्पिरिचुअल लाइक कंटेक्स्ट में जोड़ देते हैं, बट योगा इज नॉट स्पिरिचुअल। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट योगा हेल्प्स इन ऑल दीज थिंग्स। इन सब पॉइंट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, साइंस ने भी ये माना है कि हाँ योगा इन सब चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। तो देखिए, जो लोग योगा करते हैं उन्होंने पाया है कि अगर उनको कोई डिजीजेस हैं तो वो डिजीजेस कम हो गए हैं या चले गए हैं एक लंबे समय की योगा प्रैक्टिस के बाद। या कुछ लोग जो स्टार्टिंग से योगा करते आए हैं तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। आज के टाइम में जब कोविड है तो लाइक डॉक्टर्स भी ये लोग बोलते हैं, योगिक जो आचार्यज हैं वो भी ये लोग सजेस्ट करते हैं कि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और बिल्कुल होती है। तभी डिजीजेस को खत्म करने में या कम करने में या डिजीजेस को ना होने में ये बिल्कुल हेल्प करता है। रीड करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन प्रिवेंट मेनी डिजीजेस लाइक कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है ये, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोगों को साइनस रहता है नाक में तो उसमें भी हेल्प करता है। इंसोमेनिया, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, इवन थायराइड, बहुत लेडीज को मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द की, उनको थायराइड होता है, और जिन्होंने योगा प्रैक्टिस की है उनको थायराइड में भी बहुत हेल्प मिली है। देन अर्थराइटिस, एसिडिटी, हार्ट अटैक, लेप्रोसी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, बैक पेन, इवन फॉर द गर्ल्स हु जिनके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स रहता है तो उनको भी इसमें बहुत हेल्प मिली है। इवन द गर्ल्स हु हैव पीसीओडी प्रॉब्लम्स, उनको भी बहुत हेल्प मिली है। द पीपल जो ओल्ड एज में है, जिनको बैक पेन रहता है या घुटनों में दर्द रहता है, नीज में, तो उनको भी बहुत लाइक फायदा हुआ है योगा प्रैक्टिस करके। इट इज हाईली इफेक्टिव टू क्योर लार्ज नंबर ऑफ डिसऑर्डर। तो एक हम बोल सकते हैं हर एक डिसऑर्डर ही लगभग योगा से ठीक हो सकता है। एंड इट इज जो बचपन से ही योगा करनी शुरू कर देते हैं वो बहुत हेल्दी रहते हैं। तो अपने बच्चों के अंदर ये आदत जरूर डालें, एंड कोशिश करें जिन स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएं तो उनको भी हम योगा प्रैक्टिस वीकली बेसिस पे तो जरूर कराएं। तभी गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में एज अ एक्टिविटी आज के टाइम में योगा है। वेरियस योगिक एक्सरसाइजेस इंक्रीजेस द इम्यूनिटी पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इम्यूनिटी की बात हम कर चुके हैं कि इम्यूनिटी की पावर, दैट इज इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये। नेक्स्ट इज पॉस्चरल डिफॉर्मिटी। इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर पॉस्चर यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर वर्क एफिशिएंटली। तो योगा क्या करता है, योगा आपका जो पॉस्चर है, कुछ लोगों को ढंग से बैठना नहीं आता है, उनकी कमर झुकी हुई होती है, कुछ अपनी गर्दन को झुका लेते हैं, कुछ लाइक ढंग से खड़े नहीं हो पाते हैं, अपने पेट को बाहर निकालते हैं, बैक उनकी बाहर होती है, या झुके कंधे झुके के साथ चलते हैं, स्काइलोसिस बीमारी को बोलते हैं, कंधा ऊंचा लंबा हो जाता है, मतलब एक कंधा आपका बड़ा है दूसरा नीचे की ओर झुका होता है, मतलब इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे डिजीजेस हैं जो पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज बेसिकली हम बोलेंगे उनको, तो जो योगा की वजह से ठीक भी हुए हैं। तो अगर जो लोग स्टार्टिंग से ही योगा प्रैक्टिस करते हैं तो उनका पोश्चर अगर आप देखेंगे, उनके बैठने का तरीका, उनके उठने का तरीका, उनके चलने का तरीका, तो दैट इज अ प्लीजेंट पर्सनालिटी। वो पर्सनालिटीज होते हैं, उनका मतलब हर चीज एक बहुत अच्छे से ये पोश्चर सुन के रहते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन कि वो ढंग से बैठ पाए, ढंग से उठ पाए, और प्रॉपरली उसके पोश्चर्स हों रेगुलर बेसिस पे जो काम किए जाते हैं। अदरवाइज लाइफ हैप्पी नहीं होगी और डिजीजेस आने भी शुरू हो जाएंगे।
नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन. अब देखिए योगा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है. अगर आप टायर्ड हैं और योगा करते हैं तो आप रिलैक्स्ड फील करते हैं. अगर आप स्ट्रेस्ड हैं योगा करते हैं तो स्ट्रेस रिमूव होता है. साथ में अगर आप सुबह सुबह योगा कर लेते हैं और आप दिन में अपने आप को देखेंगे तो आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे. मतलब ये नहीं आपने एक दिन करी और आप एक्टिव रहेंगे, ये एक लाइक महीनों की प्रैक्टिस से आता है. एटलीस्ट एक महीना करें, फिर आपको धीरे धीरे असर खुद शुरू होगा आपकी बॉडी के अंदर. तो यहाँ पे आपको रिलैक्स फील होगा. अगर आप सुबह योगा करते हैं तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, एक्टिव रहेंगे, और शाम को जब आप ऑफिस से आएंगे, अपने कॉलेज से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, तो आप कम टायर्ड फील करेंगे. एंड उसके लिए शवासन, मकरासन, यहाँ पे कुछ आसन्स हैं जो आपको इस चीज में रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी. ब्यूटिफुल बॉडी इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, और सबकी चाह होती है सुंदर दिखना. एवरीवन वांट्स टू लुक ब्यूटिफुल. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी स्लिम. सब स्लिम रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, कोई भी ओवरवेट नहीं रहना चाहता है. ओवरवेट पीपल डू नॉट फील कंफर्टेबल. बिल्कुल, जो उनका वेट बहुत ज्यादा होता है या ज्यादा भी बोलेंगे हम, तो उन लोगों में देखा गया है डिजीजेस, सो सॉरी, उन लोगों में डिजीजेस का आना, लाइक एक तरह से बोल सकते हैं हम, बहुत देखा गया है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनको होती रहती है. बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है, डेली लाइफ के कोर्स को करने में प्रॉब्लम होती है. तो ओबेसिटी तो बहुत खतरनाक है. अगर ओवरवेट है तो वो भी ठीक नहीं है, और उसको समय रहते सुधार लेना चाहिए. आजकल का खान पान भी ऐसा हो गया है, वी ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड. तो उसके कारण बाहर के इस, एक तरह से बोले तो कूड़े कचरे को खाने के कारण हमारी योगा आचार्यस भी जो होते हैं उसको अच्छा नहीं मानते हैं. लाइक ये जो हम खाते हैं पैक्ड फूड्स एंड इसमें कितने केमिकल्स होते हैं, बाहर का खाना वी डोंट नो किसने बनाया है, कैसे बनाया है, तो ये सब आजकल लोगों को बीमार कर रहा है. स्पेशली वो जब प्लास्टिक के कंटेनर्स में गर्म खाना डालते हैं और आपके घर पे डिलीवर होता है, सो दैट इज वेरी हार्मफुल एंड इक्वल टू द वेस्ट. डोट एंड ओबेस, सॉरी, ओबेस पीपल फॉल प्रे टू वेरियस डिजीजेस. तो बिल्कुल बहुत बीमारियां लग जाती हैं. ओबेसिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय योगिक एक्सरसाइज एंड प्राणायाम. तो बिल्कुल योगा इसमें भी हेल्प करता है, सबको ब्यूटीफुल दिखने में भी हेल्प करता है. मैं आपको बताऊं बहुत सारी ऐसी फेशियल योगास भी होती हैं, फेस की योगास. अगर आप उसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी फेस की योगास आएंगी जिसमें आप अपने रिंकल, जो झुर्रियां चेहरे पे आती हैं, वो हटा सकते हैं. या आपके लाइक फेस में आप ग्लो लाना चाहते हैं, उसके लिए योगा है. तो योगा ऐसा नहीं है सिर्फ एक क्षेत्र से लिमिटेड है, हर चीज में हर टाइप के इंसान को हेल्प करता है. योगा ब्राइटन्स द फेस, एड्स ग्लो टू द फेस, रिमूव्स रिंकल्स एंड मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. मौर्यासन इज हेल्पफुल फॉर फेशियल ब्यूटी. अगर आपको और कोई आसन पता है जो फेशियल ब्यूटी के लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं. नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज विल पावर इन कॉन्फिडेंस. द पर्सन हु आर डूइंग द योगा फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, वी हैव ऑब्जर्व, दे हैव ऑब्जर्व दैट उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और विल पावर उनकी बढ़ती है. दैट इज रेगुलरिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज इट टेक्स टाइम टू डेवलप दिस मेजर क्वालिटी. पंक्चुअलिटी भी ऐसे लोगों में आती है, कॉन्फिडेंस आता है. ऑल दीज योगिक आसन सेम्स एट प्योरिफिकेशन, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड अटेंशन इंक्रीजेस, विच हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द कॉन्फिडेंस एट वर्क. तो जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको एक अलग ऊर्जा आपके अंदर आएगी, एक अलग पावर आपके अंदर आएगी, विल पावर, कॉन्फिडेंस, एंड आप और अच्छे से काम कर पाएंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स हेल्थ एंड रिड्यूसेस ऑबेसिटी. तो ऑबेसिटी को कम करता है और आपको हेल्दी रहने में हेल्प करता है. जस्ट अगर आप 30 मिनट के लिए योगा परफेक्टली अच्छे से कर दे लेते हैं एक दिन में, तो आपकी हेल्थ परफेक्ट रहती है और आपको एक फ्रूटफुल बहुत अच्छी लाइफ आप जिएंगे, एंड आपकी लाइफ भी लॉन्ग होगी, डिजीज फ्री भी होगी.
ओनली योगा कैन ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस टू लाइफ, रिड्यूसिंग वेट इज नॉट अ डेज वर्क। देखिए यहाँ पे मेंशनड है कि योगा जो लोग मैंने देखा है एक या दो दिन करते हैं, हफ्ता 10 दिन कर ली तो कहते हैं मुझे कोई असर ही नहीं पड़ा, मैंने तो छोड़ दी। ये सालों की मेहनत से या महीनों की मेहनत से आता है, एक या दो दिन में या 10 या 5 दिन में नहीं आता है। तो रिड्यूस जो कहते हैं कि हम योगा से वजन कम हो जाता है, तो वो भी आपको ये नहीं, आपने 10 साल 20 साल खाना खाया है बाहर का, आप रोज थोड़ा थोड़ा हर साल आपने मोटापा बढ़ाया है, ओबेस आप हो चुके हैं, और वो आपने 10 दिन योगा करी और उससे चला जाए, या 1 महीना 2 महीना करी उससे चला जाए, उसको रिड्यूस होने में टाइम लगेगा बट होगा जरूर। इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग विल, तो बिल्कुल चाहिए स्ट्रॉन्ग विल और एफर्ट्स आपके। योगा आसन एंड प्राणायाम इफ प्रैक्टिस रेगुलरली रिड्यूस ओबेसिटी एंड मेक अ पर्सन फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी। तो जो लोग योगा करेंगे उनकी ओबेसिटी कम हो जाएगी अगर वो मोटे हैं तो, एंड फ्लेक्सिबल और हेल्दी वो लोग रहेंगे। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब देखिए जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने ये नोटिस किया है कि वो लोग अपने आप को गॉड से कनेक्टेड महसूस करते हैं, डिवाइन स्पिरिट से महसूस करते हैं कनेक्टेड, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक अच्छा उनके अंदर अपने माइंड पे कंट्रोल होता है और अपने आप को और अच्छे से पहचान पाते हैं। पद्मासन और सिद्धासन आर बेस्ट फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे दो बेस्टेस्ट आसन मेंशन्ड है। प्राणायाम जो होता है ये भी बहुत अच्छा एक आसन है, एंड ये भी माना जाता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बट ये ऐसा नहीं है आपने 10 दिन किया, 20 दिन किया, 1 महीना किया। इट टेक्स टाइम टू लाइक कनेक्ट विद द गॉड एंड हैव स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फ्रॉम योगा, एंड इससे बिल्कुल आपकी लाइफ में पीस भी आएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। यू शुड अप्रिशिएट समवन व्हेन यू लाइक द कंटेंट ऑफ समवन ऑन द यूट्यूब, एंड होपफुली आपको आज की लेक्चर में जो हमने टॉपिक किया इम्पोर्टेंस ऑफ योगा ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या किसी टॉपिक पे पर्टिकुलरली आपको लेक्चर चाहिए हो, वीडियो चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड सब्जेक्ट का नाम भी साथ में मेंशन करें एंड योर यूनिवर्सिटी नेम ऑल्सो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे एंड देन विद इन अ वीक डिमांडेड वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। एंड कैसी लगी आपको ये वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, शेयर करें अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।